सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग फंडा ओके सो बेसिकली हमने कहाँ तक पढ़ाई कर लिया था ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बाद हमने क्रॉस सेक्शन एलिमेंट स्टार्ट कर दिया था और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में जो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी वो थी हमारी पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक में हमने चार चीज़ में पढ़ी थी पहला हमने पढ़ा था फ्रिक्शन ठीक है मतलब किसी भी रोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हमने पढ़ लिया था पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक में ये क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में था पहला था आपका फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में आपने समझा था फ्रिक्शन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था डेट इज लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन मतलब एफ लॉन्गिट्यूडनल एंड लेट्रल फ्रिक्शन फिर हमने पढ़ा था इसमें सेकेंड टर्म फ्रिक्शन के बाद स्कीड एंड स्लीप ये भी आपका पेमेंट के करेक्टरिस्टिक में ही आता है स्कीड एंड स्लिप भी आपका पेमेंट करेक्टरिस्टिक के अंदर ही आता है ठीक है ये भी हमने पढ़ लिया था उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ा था स्कीड एंड स्लिप के बाद वो हमने पढ़ा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड देन हमने पढ़ा था अन index, इंडेक्स अन unevenness इंडेक्स अन इंडेक्स ये चार चीज़ें हमने जो है पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और बेसिकली इन चारों चीज़ों में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है कमेंट में या फिर व्हाट्सअप पे या फिर टेलीग्राम पे आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक के बाद से तो दूसरा हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम कैम्बर के नाम से जानते हैं अब हम पढ़ेंगे कैम्बर ठीक है वॉट इज़ कैम्बर ठीक है तो देखो कैम्बर होता क्या है उसको समझो ध्यान से पहले उसके बाद उससे उसके जाएंगे ठीक है उसके बाद से डिटेल में जाएंगे देखो कैम्बर जब भी रोड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जब भी रोड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी पेमेंट बनाते हैं या फिर जब भी हम हाईवे बनाते हैं तो हल्का सा बीच में उसको उठा देते हैं जब भी हमने रोड को कंस्ट्रक्ट किया तो हमने क्या किया हल्का सा उस रोड को ऐसे उठा दिया बीच में कि इतना ज़्यादा नहीं होता है बस हल्का सा होता है आपको फील भी नहीं होगा ठीक है एकदम तो हल्का सा ठीक है ये देखने में इतना लग रहा है कि इतना दिखेगा नहीं आपको ताकि जब भी इसके ऊपर पानी पड़े जब भी इसके ऊपर वाटर मतलब बारिश का पानी पड़े तो वो ईजिली जो है ड्रेन हो के इधर नीचे जो हमने ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है नालियाँ दिए उसमें गिर सके आप रोड के किनारे जब भी चलते हैं तो आप होगा दोनों साइड में या फिर एक साइड में हम नालियाँ दे देते हैं ताकि जो भी बरसात का पानी है वो गिरने के बाद से कहाँ जाए सीधा नालियों पे एक हल्का सा स्लोप क्रॉप स्लोप देते हैं हल्का सा स्लोप देना रोड पे बहुत ही ज़रूरी होता है ये क्यों ज़रूरी होता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि देखो रोड के सिर्फ दो ही दुश्मन होते हैं रोड के दो एनिमी होते हैं एक तो आपका हैवी लोड होता है हैवी लोड होता है और दूसरा होता है आपका रेनफॉल यानी वाटर होता है आपका दूसरा वाटर यानी रेनफॉल तो जैसे ही वाटर इसके ऊपर अगर आपने सपोज करो देखो रोमन रोड्स में क्या खराबी थी यही उन्होंने क्रॉस स्लोप नहीं दिया था रोमन रोड्स में क्रॉस स्लोप प्रोवाइड था कि नहीं प्रोवाइड था जल्दी से बताएंगे ठीक है कमेंट में करके बताएंगे क्रॉस स्लोप प्रोवाइड था कि नहीं प्रोवाइड था ड्रेनेज सिस्टम नहीं प्रोवाइड था उनमें ठीक है और नीचे उन्होंने क्या दिया हुआ था एक नीचे उन्होंने क्या दिया था लार्ज फाउंडेशन स्टोन दिया हुआ था अब यहाँ पे देखो क्या है यही ख़राबी हमें क्या मतलब हमें हमने क्या देना था हमें बेसिकली क्रॉस लोक देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी पानी इसके ऊपर पड़े तो वो यहाँ से और यहाँ से क्या हो सके इजीली ड्रेन आउट हो सके इजीली वहाँ से बह सके जिससे हमारे रोडों पे पानी इकट्ठा ना हो कभी भी आपने देखा होगा जब भी रोड है हल्का सा भी मतलब उस पर पानी इकट्ठा होने लगा मान लो सपोज़ करो ये आपका रोड है यहाँ पर हल्का सा गड्ढा है ठीक है अब यहाँ पर अगर थोड़ा भी पानी इकट्ठा हो जाता है हल्का सा भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट्स होंगे इसके नीचे है ना और ये एग्रीगेट्स किससे जुड़े होते हैं मिटमिन से जुड़े होते हैं अब ये जो वाटर होगा ना ये वाटर क्या करेगा ये पानी यहाँ पर जो जमा हुआ है ये पानी ये क्या करता है नीचे धीरे 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 नीचे बहता है और नीचे जाने के बाद से जितने भी ये बॉन्ड है ना जितनी इसके साथ जो भी बॉन्ड इसने जो भी आपके कोहेशन या फिर एडिशन, एडिशन बॉन्ड बनाया रखा है उसको ये क्या करता है धीरे धीरे वीक कर देता है बॉन्ड को तोड़ देता है तोड़ने के बाद से जब ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गए तो आप सपोज करो क्या होगा ये जो ये बच गए तुम्हारे अकेले जो भी गिट्टी हैं तो ये बाहर यहाँ से आने लगते हैं ये यहाँ पे रोड पे दिखाओगे रोड पे जब ऐसे सिचुएशन आपने देखे होंगे कि जब बाहर उसके जो एग्रीगेट्स होते हैं रोड के वो बाहर की तरफ फैलने होते हैं और धीरे धीरे ये जो इतना छोटा गड्ढा था ना ये जो इतना छोटा गड्ढा था धीरे धीरे फैलते फैलते इतना बड़ा हो जाता है ठीक है डेट कॉज टू एक्सीडेंट ऑल्सो उसके बाद से हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ठीक है मैंने कहा कि ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया होगा यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ठीक है तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होता है एक क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करना होता है एक ड्रेनेज स्लोप प्रोवाइड करना होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं कैम्बर के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? इसी को हम क्या बोलते हैं जो हमने हल्का से स्लोप दिया ना इसको हम क्या बोलते हैं जो ऊंचाई दी है यहाँ पे इसी को हम कैम्बर बोलते हैं ये हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में आता है ठीक है ये हमारा कैम्बर होता है ठीक है अब किसके लिए कैसा कैम्बर देते हैं ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कितने टाइप के कैम्बर्स होते हैं ये हम देखेंगे तो पहले आप ये लिख लो कि कैंबर होता क्या है ठीक है वॉट इज कैंबर मैं इसको मिटा रहा हूं सो वॉट डू यू मीन बाई कैंबर कैम्बर so, क्या होता है ठीक है नोट डाउन करेंगे कैम्बर इज अ क्रॉस स्लोप कै क्रैम्बर इज अ क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड 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 ऑन रोड प्रोवाइडेड ऑन रोड प्रोवाइडेड ऑन रोड कैम्बर इज अ मैं लिख देता हूँ वो ज्यादा बेटर रहेगा कैम्बर इज अ क्रॉस स्लोप कैम्बर इज A cross slope provided on road, provided on road, provided on road. So, Camber is a cross slope provided on a road.

फ्रॉम सर्फेस टू द ड्रेनेज सिस्टम इन लेफ्टर डायरेक्शन इस पॉइंट को फटाफट अंडरलाइन करें और नोट कर लें इसको ठीक है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ से समझ में आ गया कैम्बर क्या है कैम्बर क्या है कैम्बर कुछ नहीं है क्रॉस स्लोप है जो कि हल्का सा रोड के सर्फेस को ऐसे हम उठा देते हैं ये ठीक है ये हो गया कैम्बर आपका ये वाला पोर्शन जो है स्कैम्बर हो गया ठीक है ये ठीक है तो जब भी वाटर पहुंचेगा तो ये यहां पे ड्रेनेज यह सिस्टम होता है ठीक है जब भी यहाँ पे बरसात हुई तो वाटर जो है इसके थ्रू फ्लो करके यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में आ सकता है ठीक है वाटर जो है फ्लो करके यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में ऐसे आ सकता है ठीक है ये क्या होता है कैम्बर होता है ठीक है हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ कैम्बर्स हेडिंग डालिए टाइप ऑफ कैम्बर्स इसको मैं मिटा रहा हूं सो so, कैम्बर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैम्बर क्या होता है कैम्बर कुछ नहीं होता है हल्का सा रोड के सरफेस को हम उठा देते हैं हल्का सा रोड के सरफेस को हम उठा देते हैं ताकि ड्रेनेज इजीली हो सके वाटर का ड्रेन हो जाए वाटर जो है अपनी दुश्मनी ना निभा पाए वाटर की दुश्मनी किससे होती है उस बॉन्ड से होती है जो विटामिन ने किससे बना कर रखा हुआ है अग्रिगेट से बना कर रखा हुआ है अगर उसी से अपनी दुश्मनी निभा लिया वाटर ना तो फिर तो बड़ी तो दिक्कत हो जाएगी तो फिर दुश्मनों से प्रोटेक्शन तो आपको चाहिए और प्रोटेक्शन आप कैसे प्रोवाइड कराते हो आप कैम्बर को प्रोवाइड करा के कराते हो ठीक है तो देखते हैं भाई एज अ सिविल इंजीनियर आपका फर्ज बनता है कि आप जो रोड डिजाइन कर रहे हो वो सेफ भी हो अपने दुश्मनों से ठीक है तो कैम्बर लिखो टाइप्स ऑफ कैम्बर क्या होता है टाइप्स ऑफ कैम्बर हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कैम्बर कितने टाइप्स के हम कैम्बर दे सकते हैं और कितने टाइप्स के कैम्बर होते हैं तो पहले इसमें ए पॉइंट में लिखिएगा स्ट्रेट कैम्बर स्ट्रेट कैम्बर ओ भाई अब ये कौन सी बोला है ठीक है लिखे स्ट्रेट कैम्बर मतलब स्ट्रेट लाइन कैम्बर कर लेना इसको पूरा लिखे स्ट्रेट लाइन कैम्बर स्ट्रेट लाइन कैम्बर अब ये कौन सी बोला है भैया चलो इसको भी देखते हैं सपोज़ करो आप एक रिजिट पेमेंट बना रहे हो रिजिट पेमेंट समझते हो रिजिट पेमेंट मतलब जो पी वाली आर जो सीमा रोड बनती है ठीक है गाँव में देखा होगा तो जब आप अगर रिजिट पेमेंट बना रहे हो तो उस केस में क्या हो जाता है उसको थोड़ा सा न कर्व करना आपको पता है कि कंक्रीट को थोड़ा कर्व करना है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है तो थोड़ा सा कर्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी है ना तो आप उसको कर्व नहीं कर पाओगे तो भैया फिर फिर तो समस्या है तो फिर हम क्या करते हैं उसको एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधा सीधा कैंबर दे देते हैं मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे दे देते दे हैं दे दे दे, ऐसे कैम्बर देते हैं उसका ठीक है देखा होगा जब भी आपने ऐसे रोड देखा होंगे तो ऐसे कैंबर होता है उसका ठीक है ऐसे उठा देते दे हैं ठीक है तो ये जो कैम्बर होता तो है ऐसे कैंबर जो होता है जो रिजिट पेमेंट को हम देते हैं इस कैंबर को हम क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइन कैम्बर बोलते हैं तो याद यहां से एक बात ये भी क्लियर हो गई आपकी कि भाई स्ट्रीट लाइन कैम्बर जो होता है वो किसको दिया जाता है तो रिजिट पेमेंट में दिया जाता है अगर रिजिट पेमेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो टेंशन ना लो आगे आने वाले टॉपिक्स में वो भी क्लियर हो जाएगा बस मेरे साथ बने रहना एक एक टॉपिक आपकी क्लियर होगी तो रिजिट पेमेंट बेसिकली रिजिट पेमेंट में हम कौन सा कैंबर देते हैं तो वो देते हैं स्ट्रीट लाइन कैंबर ये याद रखना ठीक है तो आते हैं कैंबर देखने कैसा बनता है ध्यान देना सपोज करो ये तो रो रोड की तुम्हारी एक्चुअल पोजीशन अगर इसी रोड को मुझे उठाना हो ठीक है ये होता है स्ट्रीट लाइन कैम्बर इतना ज्यादा मत सोचने बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम है मदद दिखा समझाने के लिए कि ऐसा प्रोवाइड करते हैं ये स्ट्रीट लाइन है ठीक है ये क्या है स्ट्रीट लाइन है ओके तो ये होता है आपका स्ट्रीट लाइन कैम्बर ठीक है जिसमें से जो इसका स्लोप होता है वो आपका वन इन एन होता है वन इन एन मतलब अगर एन डिस्टेंस आगे मतलब n डिस्टेंस आप अर्जेंटली मूव कर रहे हो n डिस्टेंस आप यहां मतलब एक किलोमीटर चले तो किलोमीटर ऊपर फिर समझ हो अगर आप दो किलोमीटर चले तो फिर एक डिस्टेंस ऊपर फिर तीन ऐसे वन इन एन बनता है ठीक है एन डिस्टेंस नीचे तो एक ऊपर n डिस्टेंस नीचे तो एक ऊपर एन की वैल्यू आपको गिवन होगी तो वन इन एन होगा इसका स्लोप ठीक है ये होता है और ये जो कर्व होता है मतलब वन डिग्री होता है मतलब लीनियर होता है लीनियर मतलब समझ गया ना स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है स्ट्रेट लाइन होता है ठीक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे पूछता है बेसिकली इक्वेशन ऑफ कैम्बर तो y इक्वल टू हो गया तुम्हारा ये नीचे लिख लो इसको ज़्यादा बेटर रहेगा स्ट्रेट लाइन है ना y इज इक्वल टू होता है तुम्हारा अगर स्ट्रेट लाइन कैम्बर का फॉर्मूला पूछेगा y निकालने का तो कुछ नहीं करना है आपको w अपॉन टू एन कर देना है डब्ल्यू अपॉन क्या करना है आपको टू एन कर देना है ठीक है इसको आप याद रखो ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट नेक्स्ट जो कैम्बर है वो है आपका पैराबोलिक कैंबर पैराबोलिक कैंबर चलो भैया पैराबोलिक कैंबर क्या होते हैं समझते हैं देखो पैराबोलिक कैम्बर हम जनरली कहाँ देते हैं जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं जिसपे नॉर्मली हम जो चल रहे होते हैं ठीक है जैसे आपका विटोमिनस पेमेंट जो अभी आप हर जगह मैक्सिमम वही आप आपको देखने को मिलता होगा खैर अब तो हम शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे रिजिक्ट पेमेंट के ऊपर और क्यों हो रहे हैं इसका रीज़न मैं आगे, आगे आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है और किस पे देते हैं तो जो भी आपका विटोमिनस सर्विस है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो बेसिकली उस पर हम कौन सा पेमेंट कौन सा देते हैं आपका पैराबोलिक कैम्बर देते हैं ठीक है इसको समझना ध्यान से ये आपकी रोड की एक्चुअल पोजीशन है ठीक है और यहाँ से हमने कुछ यू इस टाइप से हम क्या दे दिया हमने केम्बर दे दिया ये बहुत ज़्यादा नहीं होता हल्का हल्का है ये सपो ठीक है बस फील करना है इसको कि पैराबोलिक टाइप में होता है ऐसा कैम्बर ठीक है नॉर्मली अगर मैंने इसको स्ट्रेट दिया होता तो कैसा होता स्ट्रेट दिया होते तो आप यहाँ से कुछ ऐसा और ऐसा दिखता ये है ना ये स्ट्रेट नाव की पैराबोलिक है ठीक है क्या ये पैराबोलिक है पैराबोलिक के कब प्रोवाइड करते हैं हम इसको हम प्रोवाइड करते हैं रिजिट पेमेंट में सॉरी फ्लेक्सिबल पेमेंट में ठीक है इसका ही जो इक्वेशन होता है आपको ये पता होना चाहिए ये कितना डिग्री का कर्व होता है ये टू डिग्री का कर्व होता है ठीक है यानी सेकंड डिग्री का कर्व होता है पैराबोलिक इन नेचर होता है क्या होता है ये पैराबोलिक नेचर तो आपको पता है कि इस ये स्लोप कितना होता है वन इन एन होता है वन इन एन होता है और ये जो ऊपर वाला जो स्लोप है ये कितना होता है ये जो स्लोप है ये कितना होगा ठीक है ये नीचे वाला तो वन इन एन हो गया ऊपर वाला स्लोप कितना होगा देखो तो पहले हमें यहाँ पे y निकालना होता है और y कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस होती है तो आपको पता ही है ठीक है और w क्या होता है ये भी आपको पता है अच्छा यहाँ बताया नहीं क्या मैंने y तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ठीक है ना मतलब ये डिस्टेंस टोटल तो तो आपकी वाई हो गई और डब्लू जो होता है आपका बेसिकली विथ ऑफ रूड क्या होता है विथ थूट तो डब्ल्यू बाई टू एन वाई इक्वल टू इतना ठीक है ये याद रखेंगे ठीक है इसमें भी वाई हमारा क्या हो गया ठीक है ये हाइट और w हमारा क्या हो गया तो इक्वेशन ऑफ पेराबोला हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से y इक्वल टू वाई इक्वल टू याद रखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ जो मिलता है हम हमको टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन एन w मिलता है एन डब्लू टू एक्स स्क्वायर अपॉन एन डब्ल्यू मिलता है इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लें बहुत ही अच्छी अच्छा पॉइंट है ठीक है ये भी याद रखो कैंबर भी आएगा उस उसके आपको समझ में आ गया होगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन एन डब्ल्यू ठीक है और ये हाँ एक्स ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई भाई कितने डिस्टेंस पे आप वाई पूछ रहे हो कितने डिस्टेंस पे आप वाई पूछ रहे हो वो आपकी हो जाती है ठीक है अगर मान लो एक्स यहीं तक दे दिया तो यहीं तक का वाई हो जाता है आपका ठीक है ये आपका एक्स हो गया आई होप कि यहां तक पॉइंट क्लियर होगा आपको ठीक है तो दो कैम्बर तो आपको समझ में आ चुके हैं ठीक है, है? पैराबोलिक कैम्बर और स्टेट लाइन कैंबर नेक्स्ट जो कैम्बर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कैम्बर कैम्बर नंबर थर्ड नोट करिए कॉम्बिनेशन कैम्बर कॉम्बिनेशन कैम्बर थर्ड कैम्बर इज कैम कॉम्बिनेशन कैम्बर कॉम्बिनेशन कैम्बर या फिर बोल सकते हैं कंबाइंड कैम्बर ठीक है तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की तो कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में हम इन दोनों का मिक्स दे देते हैं इन दोनों का मिक्स दे, दे देते हैं तो इन दोनों का मिक्स वो कंपोजिट पेमेंट के लिए होता है जब कोई पेमेंट जो है आपका वो नीचे रिजिड है और उस पर सरफेस जो है हमने विटामिन की लगाई हुई है कंपोजिट सर्फेस उसको कंपोजिट तो पेमेंट बोलते हैं उसको तो कंपोजिट पेमेंट में हम जनरली क्या देते हैं जनरली हम ये दे देते हैं ठीक है तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ से यहाँ देखो क्या होता है, है क्या कॉम्बिनेशन में यह, ये रोड है मान लो तो यहाँ से यहाँ तक तो स्टेट दे दिया हमने ठीक है यहाँ से यहाँ तक स्टेट दिया और फिर यहाँ से हम पैराबोलिक कर देते हैं तो ये हो गया वन डिग्री ये भी हो गया वन डिग्री और ये हो जाता है आपका टू डिग्री ये टू डिग्री हो गया ये आपका स्ट्रेट है जितना आपको पॉइंट याद रखना है ठीक है इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक सॉरी ये होता है कॉम्बिनेशन वाला ठीक है कॉम्बिनेशन ठीक ये याद रखना ये वन डिग्री है ये वन डिग्री है ये वन डिग्री है ये टू डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है वीट ऑफ द रोड है ठीक है अब ये कैम्बर हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये तो मैंने बता दिया था कि कैम्बर तो हमें इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी ताकि हम वाटर का जो है फ्लो वाटर का फ्लो जो है आराम से इजीली वहाँ से करा दें और वाटर जो है हमारे रोड को इफेक्ट ना करे वाटर जो है हमारे रोड को इफेक्ट ना करे आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा कि वाटर कैम्बर हमके ज़रूरत क्यों पड़ी तो क्या इस कैम्बर को बनाने में कोई मतलब बनाने की वजह से वेकिल के मूवमेंट में कोई दिक्कतें भी आ सकती हैं तो बोलेगा ऑब्बियस बात है दिक्कत तो आएगी आएगी ठीक है ऑब्वियस बात है दिक्कतें तो आए ही आएगी जैसे स्ट्रीट कैम्बर जो था मुझे बता सकते हो कि स्ट्रीट कैम्बर जो है वो किसके लिए हम बनाते हैं तो हमने मैंने बोला था कि सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए बनाते हैं ठीक है सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए यानी रिजिट पेमेंट के लिए ठीक है क्यों क्योंकि कैम्बर जो होता है ना वो काफ़ी लेस होता है उसका ठीक है काफ़ी लेस होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर का कैम्बर काफ़ी लेस होता है ठीक है बिकॉज कैम्बर इज़ लेस और एक चीज और भी याद रखना जो तुम्हारा पैराबोलिक कैम्बर होता है उसको मैंने क्या बताया था पैराबोलिक कैम्बर जो बताया था वो बेसिकली वेटोमिनस सर्फेस के लिए बनाते हैं ठीक है ज्यादा वेटमिनस सर्फेस के लिए ठीक है अब मुझे ये बताओ कि ये जो है आपका पैराबोलिक कैम्बर और आपका स्ट्रीट लाइन कैंबर इन दोनों में से फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए देखो दिक्कतें क्या आ रही है देखो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए अलग टाइप का के कैंबर चाहिए है ना और स्लो मूविंग व्हीकिल बैक, के लिए अलग मतलब तेज चलने वाली गाड़ी किस पे अच्छे से चलेगी और स्लो आ, धीरे चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो किस पे अच्छे से चलेगी ये आप थोड़े देर तक सोचो फिर मैं आंसर देता हूँ स्लो मूविंग के लिए पैराबोलिक सही है या आपका स्ट्रीट लाइन और फास्ट मूविंग के लिए पैराबोलिक सही है या स्ट्रीट लाइन जल्दी से सोचिए इसको जल्दी से जल्दी सोच के बताइए आंसर इसका स्लो मूविंग के लिए कौन सा बेटर है ठीक है ठीक है आई होप की सोच लिया होगा देखो मैं पॉइंट्स भी लिखाते चलता हूं उसको नोट भी करते जाना ज्यादा बेटर रहेगा आई होप कि टाइप ऑफ कैम्बर आपने नोट कर लिया होगा ठीक है तो नेक्स्ट देखो नोट करो नोट पे लिखो पॉइंट पॉइंट नंबर वन फॉर लिखो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कैम्बर स्ट्रेट लाइन कैम्बर स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रीफर्ड फॉर स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रीफर्ड फॉर सीमेंट कंक्रीट रोड ठीक है क्यों बिकॉज बिकॉज कैंबर रिक्वायर्ड इज लेस पता है ना कि वहां पे स्ट्रेट लाइन uh, को स्ट्रेट लाइन सॉरी सीमेंट कंक्रीट रोड को कैम्बर कम चाहिए होता है ठीक है ज्यादा की उसको जरूरत नहीं होती है कम ठीक है इस वजह से कैंबर रिक्वायरमेंट इज लेस इस वजह से हम सो स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज यूज ठीक है सो स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज यूज पहला पॉइंट समझ में आया दूसरा पॉइंट लिखे पॉइंट नंबर टू देखो ये तो समझ में आ गया जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होती हैं फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए कौन सा प्रीफर होता है तो मैंने आपको बता सोचने के लिए बोला था अब मैं उसका आंसर देता हूँ फास्ट मूविंग के लिए याद रखिएगा पैराबोलिक जो होता है वो बेस्ट होता है वो प्रीफर करते हैं फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए और स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए हम स्ट्रीट लाइन ठीक है ना स्लो मूविंग के लिए हम स्ट्रेट या फिर फ्लैट सर्फेस ठीक है और फास्ट मूविंग के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं एक फ़ास्ट मूविंग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं पैराबोला ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां लिख देता हूं ठीक है पैराबोलिक कैम्बर इज रिफर्ड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल नोट कर लीजिए इसको ठीक है तो पैराबोलिक कैम्बर जो होता है इज प्रिफर्ड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल ठीक है फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं पैराबोलिक कैम्बर प्रेफर करते हैं ठीक है एनी कंफ्यूजन आई होप यहां तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पैराबोलिक कैम्बर इज प्रिफर्ड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल क्यों प्रेफर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देखो यार पैराबोलिक कैम्बर में नॉर्मली जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो होता है बीच वाला जो सरफेस होता है आपने देखा होगा ये फ्लैट होता है ना मिडिल पोर्शन जो होता है उसका फ्लैट होता है तो लिख लो एज द सेंट्रल पोर्शन इज फ्लैट अब दिखते हैं यहाँ पे ये आई कि स्ट्रीट लाइन देखो दोनों रोड में कौन सा रोड अच्छा है सीमेंट कंक्रीट रोड लेकिन आपको पता है कि पैराबोलिक कैम्बर हम प्रेफ़र कर रहे हैं फास्ट मूविंग के लिए ठीक है तो पैराबोलिक कैम्बर जब आप प्रेफर कर रहे हो तो इसका मतलब आपको एक ऐसा रोड चाहिए जिसमें फ़ास्ट मूविंग व्हीकल भी हो जाए और आपका ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर भी ना है और ये वाला रोड भी यूज़ हो जाए तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं तो एक्सप्रेस वे हाईवे अब मैंने बता दूँ आमिर का क्वेश्चन था आमिर आमिर आपने पूछा था कि एक्सप्रेस वे जो है, है बेसिकली वो हम कहाँ यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेस सर एक्सप्रेस वे हाईवे क्या होता है और ये हाईवे क्या होता है तो एक्सप्रेस वे हाईवे जो है वो आपका बेसिकली हाईवे से कैसे डिफरेंस में बताता हूँ हाईवे से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होते हैं आपके किस में एक्सप्रेस वे हाईवे में ठीक है ना एक्सप्रेस वे में एक्सप्रेस वे में बेसिकली हम चाहें तो इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं जेट्स की फ्लाइट्स की ऑन ऑन द सिचुएशन ऑफ वॉर ठीक है उसको हम एज अ रन वे भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रीट वे हाईवे हाईवे सॉरी एक्सप्रेस वे हाईवे में आपका बेसिकली क्या यूज़ होता है कॉम्बिनेशन यूज़ होता है कॉम्बिनेशन हम प्रीफर करते हैं कैम्बर का ठीक है ना तो स्ट्रीट लाइन कैम्बर और आ, किसका पैराबोलिक कैम्बर दोनों का हम मिक्सअप कहाँ प्रोवाइड करते हैं इसमें ठीक है ये आप नोट कर लेंगे ठीक है यहाँ तक नोट कर लिया चौथा पॉइंट नोट करेंगे इसको मैं मिटा रहा हूँ फोर्थ पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जो आपका ग्रेडियंट होता है वो टू इंटू कैम्बर होता है एक ग्रेडियंट आगे हम पढ़ने वाले हैं तो ये याद रखिए ग्रेडियंट इक्वल टू टू इंटू कैम्बर का दोगिना हम ग्रेडियंट दे देते हैं ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आगे पढ़ेंगे पढ़ने वाले हैं ठीक है अब एच पर आई आर सी कैम्बर हमें कितना प्रोवाइड करना चाहिए मैं वहाँ यहाँ दिखा रहा हूँ एच पर आई आर सी कैम्बर हमें कितना प्रोवाइड करना है तो लिख लो यहाँ पे कैम्बर एज पर आई आर सी ठीक है देखो कई सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं पहला मैं लिख रहा हूँ कि अगर मटेरियल हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है मटेरियल ठीक है दूसरा लिख रहा हूँ अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो हैवी रेनफॉल है तो हैवी रेनफॉल और तीसरा अगर लाइट रेनफॉल का एरिया है तो मतलब हल्का रेनफॉल वाला एरिया है तो हल्का रेनफॉल का एरिया है तो ठीक है बात करते हैं सबसे पहले मटेरियल की तो अगर मटेरियल में आपका सीमेंट कंक्रीट रोड है मटेरियल क्या है आपका सीमेंट कंक्रीट है सीमेंट कंक्रीट रोड है मतलब लिखो सी सी सीमेंट सी, कंक्रीट रोड सीसी रोड है क्या है सीमेंट कंक्रीट रोड है मतलब एकदम तो टफ तुँ है यार सीमेंट कंक्रीट का मैंने रोड बना रखा है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट नहीं है ठीक है अभी सीमेंट ये आपका कौन सा पेमेंट रिजिट पेमेंट है और रिजिट पेमेंट आपका सीमेंट कंक्रीट रोड का ही बनता ही आपको पता भी है तो सीमेंट कंक्रीट रोड है या फिर या फिर बहुत ही ज्यादा आपने बिटोमिन वाला रोड बनाया है बहुत बेहतरीन रोड बनाया है हाई बिटोमिनस रोड ठीक है ना हाई बिटोमिनस रोड बनाया हुआ है हाई बिटोमिनस रोड हाई विटमिनस रोड बनाया हुआ है तो इस केस में अगर हैवी रेनफॉल वाला एरिया में बनाया आपने मतलब तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल वाली एरिया में आपने सीमेंट कंक्रीट रोड बना दिया या फिर हाई विटेमिनस रोड बनाया हुआ है ठीक है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है सीमेंट कंक्रीट रोड है या फिर हाई मतलब बहुत ही बेहतरीन रोड है ये तो वहाँ पर हम कैम्बर कितना दे देंगे टू देते हैं कैम्बर हम रोड का कितना परसेंट दे देंगे रोड के स्लोप का टू देंगे कितना देंगे टू परसेंट देंगे टू परसेंट भैया टू परसेंट लिख दिया मैंने टू परसेंट का मतलब क्या होता है टू परसेंट का मतलब कितना स्लोप देने वाले हैं हम इसका मतलब यह हो गया वन कभी कभी क्वेश्चन मैसे देगा स्लोप वन इन फिफ्टी दोनों को याद रखो ठीक है अब अगर लाइट फॉल लाइट रेनफॉल एरिया है लाइट है तो हम क्या करेंगे इसमें से पॉइंट थ्री घटा देंगे जो हम यहाँ पे दो परसेंट दिए है ना बहुत ज़्यादा बरसात होने वाले एरिया में तो वहाँ पे तो कैम्बर आपको ऑब्वियस सी बात है स्लोप ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि बरसात ज़्यादा हो रही है तो पानी ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा हो रहा है तो उसको निकलने के लिए आपको स्लोप भी ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन जहाँ पर लाइट रेनफॉल है जहाँ पर हल्की बारिश हो रही है वहाँ पर आप खुद बताओ हल्की बारिश के एरिया में ज़्यादा स्लोप देने का कोई मतलब बनता है क्या अरे हल्की रेनफॉल वाले एरिया में जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर ज़्यादा स्लोप दे के क्या करोगे व्हीकल का मूवमेंट ही तो स्लो करोगे नहीं भाई व्हीकल का मूवमेंट ही स्लो करने वाले हो इससे अच्छा जब लाइट आपको पता है कि बरसात कम हो रही है और अच्छा सीमेंट का रोड है यार सीमेंट कंक्रीट का रोड तुमने दिया और हाई बिटोमिनस रोड बनाया तुमने तो सीमेंट कंक्रीट रोड है हाई बिटोमिनस रोड है तो क्या ज़रूरत है पता टू परसेंट देने का इसको थोड़ा सा कम कर दो तो मैंने क्या हम आई आर सी ने कहा कि चलो पॉइंट थ्री परसेंट कम कर देना है तो वन पॉइंट सेवन परसेंट आ गया अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे कैरी करें हम इसी 1.7 परसेंट को हम बोलते हैं वन इन साठ एक इन साठ अब देखो कुछ नहीं करना है बहुत इजी हो जाता है ठीक है कैसे ट्रिक्स है मैंने बताया पहले हाई विडनेस रोड बता दिया था बहुत बेहतरीन रोड आई अब दूसरा अगर थीन बिडुमेन बहुत ही पतला मतलब बहुत बेकार रोड बनाया हों भाई इतना बेकार रोड ना मतलब पूछ रहा मतलब बहुत बेकार रोड तो इसे बनता नहीं है मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं इतना समझना कि बहुत ही पतली लेयर तुमने चढ़ाई है किसकी बिटू की मतलब थीन बिटू रोड किस चीज़ की थीन बी रोड है ये थीन मतलब समझते हो बहुत पतली थीन बी रोड थीन बी रोड है अब लो अब क्या अब तो यार पतली होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना और ऊपर से बारिश भी ज़्यादा होने ये वाली एरिया में पहुँच गए हम जहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है हाई ब्यूटिमनस एरिया में यहाँ बारिश बारिश ज्यादा हो रही है ऊपर से तुमने पतला कर दिया समस्या तो बढ़ गई बंधु समस्या बढ़ गई तुम्हारी क्यों बढ़ गई क्योंकि तुमने पहला वाला कंडीशन थोड़ी किया इतना है इतना बढ़िया रोड थोड़ी बनाया सीमेंट कंक्रीट वाला नहीं है ये और नहीं ही हाँ हाई ब्यूटमिनस रोड है इतना पतला सा विटामिन का रोड लगाया और तुमको पता है कि दुश्मन होता ही है ये विटोमिन का विटोमिन का सबसे बड़ा दुश्मन है ये अब यहाँ पे इस टू से ज्यादा देना पड़ेगा स्लोप या कम देना पड़ेगा ज्यादा देना पड़ेगा ना इस टू से ज्यादा दोगे तभी तो ये रोड बचेगा माना तोड़ फोड़ के सब खत्म हो जाएगा ठीक है तो याद रखना फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको 0.5 परसेंट बढ़ा देते हैं दो 2.5 परसेंट दे देते हैं अभी यहाँ तीन परसेंट घटा यहाँ पाँच परसेंट बढ़ा रही यानी ये वन इन कितना हो गया वन इन जल्दी बताओ वन इन कितना हो गया वन इन फोर्टी अब बात करते हैं भाई इसकी लाइट रेनफॉल की तो ये इससे तो कमी होगा भाई हल्की बारिश हो रही है तो ये कितना दें तो भाई साहब आई से भी दिमाग लगाता है इंजीनियर के बारे में बहुत सोचता ही है इसने सोचा कि फालतु में इतना याद मत करो इसको यहीं शिफ्ट कर दो लो आई ने तुम्हारी हेल्प की और इस वाले वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दी मतलब ये टू परसेंट हम दे देते हैं ठीक है यानी वन इन फोर्टी समझ में आया क्या तीसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखो यार चलो थीन बिटिम ने तो बनाया अब सोचो अगर एक और रोड बनाते हैं जिसको बोलते हैं डब्ल्यू बी एम रोड है ना मोरम मोरम से जो रोड बनती है वाटर बाउंड मैकेडम वाली रोड ये बना दिया ये तो इससे बेकार है इसमें तो बिटमेन नहीं है समस्या हुई भाई उससे भी बेकार तो बना दिया बेकार नहीं कहीं का काम चला उ है लेकिन यार बरसात आएगी ना तो दे जाएगा यार बह जाएगा ये तुम्हारे बस की नहीं है इसको संभालना तो इसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा स्लोप देनी पड़ जाएगी समझ रहे हो तो देनी पड़ेगी तो कितनी देनी पड़ेगी तो लोग पाँच परसेंट और बढ़ा दो हैं कितनी बढ़ा दो फाइव परसेंट और बढ़ा दो टू पॉइंट फाइव था तो फाइव बढ़ाया तो कितना हो गया थ्री आ गया तो अब ये थ्री परसेंट हो गया ठीक है समझते चलो तो फिर कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार मैंने कहा था ना बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे तुमको और इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ना कि एक एक चीज़ याद हो जाएगी देखो ना याद तो ही गया ना थ्री परसेंट यानी वन इन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वन इन थर्टी थ्री याद रखो अब फिर आयासी ने कहा कि यार तुमको याद करना में दिक्कत होगा इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लो लाइट रेनफॉल में इसी की वैल्यू याद कर लेना तो तुमने क्या किया इसकी वैल्यू यहाँ पर टू पॉइंट फाइव याद कर ली लो टू पॉइंट फाइव परसेंट यानी वन इन फोर्टी ये वन इन फिफ्टी है वे फोर्टी मत लिख देना मतलब मैं गलती करूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी गलती करो ठीक है अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की अब तो और हद हो जाएगी जब तुमने क्या कर दिया डब्ल्यू बी एम की जगह पे एक अर्दन रोड बना दिया ना मिट्टी का रोड बना दिया लो अर्धन बना दिया इसको अर्दन रोड अर्दिन मतलब मिट्टी का रोड अब बताओ कि अभी भी तीन परसेंट पर काम चल जाएगा या पाँच पॉइंट फाइव और बढ़ाओगे तो बोला कि सर बढ़ाना तो चाहिए पॉइंट फाइव मैंने कहा पॉइंट नहीं मिट्टी की रोड है पॉइंट फाइव बढ़ाओगे पॉइंट नहीं अब सीधा एक एक बढ़ा दो सीधा एक बढ़ाओ तो ठीक है सर तो ये तीन था न, तुमने सीधा क्या कर दिया इसको सीधा इसका फोर परसेंट कर दिया लो चार परसेंट चार परसेंट कर ट्वेंटी फाइव बोलते हैं फट और आईआरसी ने बोला कि यार इसी वैल्यू को यहाँ कर देना और इसको लिख देना थ्री परसेंट ये कितना हो गया तुम्हारा वन इन थर्टी थ्री सारा का सारा गेम यही था तो पूरा खत्म हो गया ठीक है और ये इसको आपको क्या करना है याद करना है सीमेंट कंक्रीट के लिए टू परसेंट लाइट लाइट एंड के लिए वन पॉइंट सेवन परसेंट और हाई बिटोमिनस में भी यही पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हाई बिटोमिनस में भी टू परसेंट और वन पॉइंट सेवन परसेंट चलो तैयार दूसरा थीन बिटोमिनस की बात करूँ तो थीन बिटोमिनस में टू पॉइंट हाई के लिए और टू तुम्हारा लाइट एंड के लिए तीसरी बात करें डब्ल्यू के लिए ठीक है तो तीन और टू देंगे तो ये याद रखना लास्ट मार्जिन रोड के लिए दिख लिया चार और तीन ठीक है आई होप कि आप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया इसका एक स्क्रीन ले लो फटाफट और ये चैप्टर आपका ख़त्म कैम्बर आपका ख़त्म एक क्वेश्चन कराऊंगा कैम्बर वो छोटे से अलग से टॉपिक में